गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एनसीईआरटी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। मतलब दो नंबर्स हैं आपके पास, उनके स्क्वायर्स मतलब पावर 2 करने पर जो डिफरेंस आता है दोनों नंबर्स में वो क्या आता है, 180। मतलब एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो बड़े नंबर के स्क्वायर में से छोटे नंबर का स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। फिर क्या रिलेशन दिया है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मतलब कि यहां पर ध्यान देना, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स का लार्जर नंबर, लार्जर नंबर का 8 टाइम्स। और फाइंड टू नंबर्स, तो मतलब स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, 8 टाइम मतलब लार्जर नंबर के ऊपर, लार्जर नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किस तरीके से, 8 टाइम्स का लार्जर नंबर। और दो नंबर फाइंड आउट करने, तो मैंने आपको बताया था जो फाइंड करना उसमें लेट करेंगे अकॉर्डिंग टू रिलेशन। तो रिलेशन किसका दिया गया है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर। मतलब स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर डिपेंड है लार्जर नंबर के ऊपर, तो सबसे पहले दोनों में से लार्जर नंबर को लेट करेंगे। किसको लेट करेंगे, लार्जर नंबर। तो लेट करेंगे बेटा यहां पे, लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स। क्या लेट कर लिया, एक्स। फिर उन्होंने क्या बोला, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। मतलब इसका 8 टाइम्स मतलब 8x, 8 का मल्टीप्लाई 8x। क्लियर है। फिर उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। मतलब दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, तो क्या हुआ, लार्जर नंबर का स्क्वायर करेंगे, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करेंगे, और दोनों का जो डिफरेंस है मतलब माइनस करेंगे, कितना आ रहा है, 180। क्या आ रहा है, 180। ध्यान दीजिए यहां पे, लार्जर नंबर के स्क्वायर में से स्मॉलर नंबर का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 180 आएगा, और जाहिर सी बात है बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो आएगा। क्लियर है। तो यहां पे लार्जर नंबर क्या है, एक्स, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब आपको स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ही गिवन है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ही गिवन है, क्या है, 8x। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या रखेंगे, 8x इज इक्वल टू 180। ये इसको जब इस तरफ ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 180 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन लोग सॉल्व करेंगे बाय फॉर्मूला मेथड। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहा हूं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कुछ नहीं है यानी 1, बी की वैल्यू यहां पे माइनस 8, माइनस नहीं छोड़ना, ठीक है, सी की वैल्यू माइनस का 180। क्लियर है, माइनस का साइन नहीं छोड़ना। अब क्या है, आपको पता है डी निकाल लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो डी का जो फॉर्मूला होता है, यहां पे डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी मतलब माइनस 8 इसका स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 1 तो इंटू 1, सी मतलब कितना है, माइनस का 180 तो माइनस का 180। क्लियर है। तो माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 इंटू 0 4 18 4 72। तो इन दोनों को जब सम करेंगे तो कितना आएगा, 784। कितना आ जाएगा, 784। और 784 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 28 का। यहीं से आप अंदाजा लगा लेते हैं किसका स्क्वायर होता है, 28 का स्क्वायर होता है। कम से कम बेटा 1 से लेकर के 50 तक के स्क्वायर्स तो आप याद कर लीजिए, जिससे कि आपको फॉर्मूला मेथड में कभी परेशानी ना हो। और नहीं भी याद कर पा रहे हैं तो इसका फैक्टराइजेशन कीजिए और दो दो नंबर्स के पेयर बनाइए और उनमें से एक नंबर काउंट कीजिए, तब जाके आपको स्क्वायर रूट निकला है, स्क्वायर रूट निकालना आता होगा, ठीक है। क्लियर है। तो डी की वैल्यू क्या हो गई, 784। अब आपके पास फॉर्मूला क्या आता है,
यहां पे लिख रहा हूं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। तो यहां पे x माइनस x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस एट, तो माइनस का एट आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी बोले तो कितना है 784 अपॉन टू ए, ए का मतलब कितना है 1। तो यहां पे बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 784 का रूट क्या हो जाएगा 28 अपॉन 2। अब 8 प्लस 28 बाई 2, 8 माइनस 28 बाई 2, तो यहां पे 28 और 8 कितने 36 बाई 2 मतलब कि 18, और 28 माइनस 8 करेंगे तो 20 माइनस का 20, माइनस 20 अपॉन 2 करेंगे तो माइनस का 10। तो आपके पास जो नंबर आए वो क्या आए 18 और माइनस 10 आए। अब यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ लिखा नहीं है, लार्जर और स्मॉलर लिखा है, क्या दोनों नंबर कंसीडर करने पड़ेंगे, तो वो चेक करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे x इक्वल टू 18 लेंगे, क्या लेंगे x इक्वल टू 18, क्लियर है। तो जब x इक्वल टू 18 लेंगे, सॉरी बेटा x इक्वल टू 18 लेंगे, तो x इक्वल टू 18 जब लेंगे तो x क्या था लार्जर नंबर, क्या लिया था लार्जर नंबर। तो देखिए बेटा लार्जर नंबर इक्वल टू क्या आएगा x, x मतलब 18, क्लियर है। तो स्मॉलर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 इंटू 18, क्लियर, मतलब 144। तो स्मॉलर नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट 144, और नंबर में कोई कंडीशन नहीं देगी तो प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहां पे प्लस माइनस क्या आ जाएगा 12। अगर लार्जर नंबर आपका 18 है तो स्मॉलर नंबर क्या हो सकता है प्लस माइनस 12, क्लियर है कहानी। अब देखिए यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो क्या आ रहा है 144 आ रहा है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, तो स्मॉलर नंबर आपका पॉजिटिव 12 भी हो सकता है और नेगेटिव 12 भी हो सकता है, क्लियर है कहानी। अब अगर अपन लोग लार्जर नंबर को क्या लें माइनस 10 लें, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 इंटू माइनस 10 मतलब कि माइनस के 80। क्या बेटा ये पॉसिबल है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है, नहीं, तो ये वैल्यू आपको कंसीडर नहीं करनी है। तो आपके आंसर्स क्या होंगे, तो हेंस द नंबर्स आर 18, 12 या 18 माइनस 12, 18, 12 होंगे या 18 माइनस 12, चेक कर सकते हैं। तो देखिए बेटा 18 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 18 का स्क्वायर होता है 324, क्या होता है 324, 12 का स्क्वायर 144 माइनस करेंगे तो 180 आएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से यहां पे 324 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 144, माइनस करेंगे क्या आएगा 180। फिर देखिए जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मतलब 12 हो या माइनस 12 हो, इसका स्क्वायर 144 क्या है 8 टाइम्स ऑफ इसका, तो मतलब कि दोनों आंसर आपके यहां पे ये वैलिड है, माइनस 10 कंसीडर करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या आएगा माइनस 80, और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर या तो जीरो आता है या फिर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता। अगर नेगेटिव किसी नंबर का स्क्वायर आ रहा तो वो क्या होगा इमेजिनरी नंबर होगा, और अपन लोग क्या पढ़ते हैं रियल रूट्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं रियल रूट्स। तो रियल रूट्स का मतलब क्या है आपको, क्या है कि आपको यहां पे किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्लियर है, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। आई होप आपको यह समझ में आया होगा, क्लियर, थैंक यू। और आपको यह समझ में आया है अच्छी तरीके से तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आपको आगे की वीडियोस अपने आप मिलती है, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, दबा दीजिए, ठीक है, थैंक यू।